वेलकम प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। देखिए दिवाली वगैरह आ रही है ना, दिवाली में आप लोग देखते हैं काफी चीजें हम लोग जलाते हैं और मिठाइयां स्वीट्स बांटते हैं। तो चलिए पटाखे चलाते हैं, दिए जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन पोल्यूशन जो है वो तो हमें कम करना पड़ेगा ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस बार जो है हमें क्रैकर्स नहीं चलाने। मैं तो खैर क्रैकर्स यूज ही नहीं करती, जलाती ही नहीं दिवाली पे। और आप लोग भी इसमें योगदान दीजिए ताकि हम अपने देश को, अपनी दिल्ली को का पोल्यूशन कुछ कम कर सके। तो उसी बेस पे है आज की वर्कशीट। ये जो वर्कशीट है बेटा 86 वर्कशीट है, और 6 to 8 क्लास के लिए जो कंबाइंड वर्कशीट है ये वो है। थीम है से नो टू फायर क्रैकर्स। इंग्लिश वाली कॉपी में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में है सारी। ये से नो टू फायर क्रैकर्स, यानी क्रैकर्स जो है हमारे पटाखे हैं उनको ना कहना है, उनको ना कहना है। हेयर आर सम थिंग्स, कुछ चीजें दी हुई हैं जो दिवाली पे हम लोग देखते हैं, दीपावली दिवाली, उनको आइडेंटिफाई करना है और अनजम्बल करना है। ये देखिए ये उल्टे सीधे वर्ड्स है ना, लेटर्स हैं, इनको सीधा करना। तो ये क्या चीज है, हम सब जानते हैं, सबकी पसंदीदा क्या है, ये स्वीट। स्वीट है ना। ये दियाज हैं, देखने में लग रहे हैं सुंदर से, आप सभी अपने घर में दियाज जलाते होंगे। और फंक्शन है तो हमें दिया जलाना चाहिए। ये क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं। तो क्रैकर की स्पेलिंग क्या होती है, क्रैकर ये होता है सी आर ए सी के ई आर, ठीक है। दियाज में डी आई वाई ए, और यहां स्वीट एच डब्ल्यू डबल ई टी। क्या है ये, लाइट्स है ना, लाइटिंग आपने देखा होगा इस तरह की, घरों में लाइट्स लगी होती है, रोशनी ही रोशनी होती है। तो लाइट की स्पेलिंग क्या है, एल आई जी एच टी, तो इसमें होना भी चाहिए एल आई जी एच टी, ठीक है। कैंडल सी ए एन, देखिए सी ए एन डी एल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये सब चीजें हम दिवाली के टाइम पे देखते हैं और इनको हमने मीनिंगफुल सिंपल जंबल को रीअरेंज करके वर्ड बना दिए हैं जिनका मतलब है। कंप्लीट करना है, बी क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको, और ये आपको बॉक्स है, हिंट बॉक्स, इससे हमें यूज करते हुए करना। ये दिवाली के टाइम के ऊपर एक तरह से छोटा सा शॉर्ट सा पैराग्राफ भी बन सकता है। आई लाइक टू ईट, क्या है ये बेटा, स्वीट्स, हमें स्वीट्स पसंद है, तो ये रहा स्वीट्स। स्वीट्स ऑन दीपावली आई डेकोरेट माय हाउस विद यस कैंडल्स कैंडल्स एंड ये क्या है, लाइट्स। तो यहां आएगा लाइट्स। आई वॉर्शिप गॉडेस, गॉडेस की तो करते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो यहां आ जाएगा गॉडेस, और साथ में लक्ष्मी स्पेल, जगह नहीं है तो बेटा मैं नीचे लिख दे रही हूं लक्ष्मी। ऑन दिस फेस्टिवल आई हेल्प, और देखिए हमें पुअर की भी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी इंजॉय करें फेस्टिवल को, बेचारे उनका फेस्टिवल तो नहीं मनता ना, क्योंकि कई बार पैसे नहीं होते तो कैसे मनाएंगे। तो हमें आई हेल्प द पुअर, पुअर की मदद जरूर करनी चाहिए दिवाली के टाइम, या कोई भी त्योहार है, आप किसी भी गरीब को देखते हैं जैसा बल बनता है थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करना चाहिए। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपके कमेंट का जरूर वेट रहेगा। चलिए डी पार्ट देखते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको बताना ना भूलें। डी पार्ट क्या है, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इस पैसेज को पूरा पढ़ना है और ये दो सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। फायर क्रैकर्स यानी पटाखे कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इनसे। इट कैन आल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इतना
देखिए कुछ ही दिन के लिए पटाखे जलाए जाते हैं दिवाली से थोड़ा आसपास का और दिवाली के दिन, लेकिन पूरा डैमेज कर देते हैं एनवायरमेंट को। फायर क्रैकर्स कॉज एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इतना शोर शराबा होता है। और हम सभी जानते हैं कि दिल्ली इज फेसिंग बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन, है ना। एयर पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इस टाइम पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जिनको प्रॉब्लम है अस्थमा वगैरह की, देखिए उनकी कितनी हालत खराब होती है, और नहीं है तो भी लंग्स में प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और इट बिकम सेवियर, ये बहुत ज्यादा डेंजरस इसी महीने में हो जाता है, अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में। हर साल सिचुएशन बहुत खराब होती है, दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली का एनवायरमेंट बहुत बेकार होता है इसमें। लेट अस से नो टू क्रैकर्स, हम जो है बोलते हैं कि क्रैकर्स नहीं जलाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। तो इसी बेस पे अब हमें कंप्लीट करना है। फायर क्रैकर्स कैन कॉज कौन कौन से पोल्यूशन करते हैं बताइए, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, यहां आ जाएगा एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। तो क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज कैसी हो रही है, बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन है, मतलब सेवियर कंडीशन है इन द मतलब अक्टूबर नवंबर की कंडीशन में बहुत ही बुरी हालत होती है। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए, हमारी दिल्ली को बचाने के लिए क्रैकर्स को नो करना होगा। हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेंबर और फ्रेंड को ताकि वो क्रैकर्स को यूज ना करें दिवाली पे, कैसे करोगे आप जरूर बताइएगा एक लाइन में हमें। हमने भी कुछ लिखा है यहाँ पे, ई पॉइंट है हमारा ये, ठीक है। I will encourage my family, मैं अपनी family को, friend को encourage करेंगे to celebrate pollution free Diwali। दिवाली मनानी है तो pollution free हो इस साल, इसके लिए we will burn eco-friendly crackers। Eco-friendly cracker क्या होते हैं, जिनसे ये pollution नहीं होता, ये pollution नहीं होता, जैसे balloon फटाके या आजकल आ रहे eco-friendly crackers, उस तरह के cracker use करके और कम मात्रा में use कीजिए। इसके अलावा मिठाई बांटिए, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और मोमबत्ती कैंडल जलाइए, घर को डेकोरेट कीजिए, आपस में फ्रेंड मिलिए, बहुत होता है ये सब, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है एनकरेज करेंगे कि भी क्रैकर्स कम से कम जलाएं, और आप लोग भी इस बात पे ध्यान देंगे, जरूर आप लोग क्रैकर्स को कम करेंगे या बंद ही कर दें, अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोग ये जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कौन कौन से इस बार दिवाली को इको फ्रेंडली मनाने जा रहे हैं या क्रैकर्स का कम यूज करने जा रहे हैं, नहीं यूज करने जा रहे हैं, आपके कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ज्यादा ज्यादा शेयर करें।